मैं पिछले हफ्ते मम्मी पापा दे नाल दक्षिण विच स्थित केरल प्रदेश घूम के आई हाँ। केरल दी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इत्थे चारे पासे हरियाली ही हरियाली है। केरल दा ज्यादातर हिस्सा समुद्र दे तट नाल जुड़िया होया है। इत्थे दा जलवायु बहुत वधिया है। इत्थे ना ही गर्मी अते ना ही बहुत सर्दी है। इत्थे लगभग पूरा साल मी पैंदा है। इसे करके लोग घरों हमेशा अपनियां छतरियां लेके निकलदे हन। केरल विच मलयालम भाषा बोली जांदी है। इस करके सानू इत्थे दी भाषा समझन विच बहुत औखियाई हुई। केरल विच खाड़ियां अते ताजे पानी दे खेतर भी हन जो समुंदर अते मैदानी इलाके नू जोड़दे हन। की तुहानू पता है बच्चियों, केरल खुशबूदार मसालियां लई भी प्रसिद्ध है। दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, लौंग आदि दी इत्थे बहुत पैदावार हुंदी है। मसालियां तो अलावा काजू भी इत्थे बहुत ज्यादा मिलदा है। इत्थे नारियल दे उच्चे उच्चे दरखत मन नू बहुत चंगे लगदे हन। नारियल नू कलपुरख जां कल्प वृक्ष कहा जांदा है। इस रुख दा हर भाग वरतों विच लियाया जांदा है, जिवें पत्ते, रस्सियां, जूट दीआं दरियां, गद्दे, साबण आदि बनाए जांदे हन। इत्थे किश्तियां दे घर हन जिहड़े केरल दी संस्कृति दे अनुपम उदाहरण हन। असीं वी इस विच रात नूं रुके सी। इस विच बैठ के पानी दा, जंगल दा नजारा देखण नूं मिलदा है। केरल विच किधरे रबड़ दे दरखत सी अते किधरे बनस्पति। इत्थों दे लोकां दे भोजन विच केले दा उपयोग विशेष मन्या जांदा है। इत्थों दे निवासी केले नाल अनेका व्यंजन तैयार करदे हन। उन्हां दा प्रमुख भोजन डोसा, इडली, सांबर, उपमा, रसम अते केला है। चौल इत्थों दे निवासियां दा मुख भोजन है। केरल दा प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। केरल दे लोग ए त्योहार अगस्त जां सितंबर दे महीने विच मनाउंदे हन। ओणम दे दिन केरल दी शोभा देखण वाली हुंदी है। इस दिन फुल्लां नाल सुंदर रंगोलियां बनाईयां जांदियां हन। किश्तियां दीआं दौड़ां हुंदियां हन। केरल विच नवा साल आरंभ होण दी खुशी विच विशु नाम दा त्योहार मनाया जांदा है। इत्थों दे नाच भरतनाट्यम अते मोहिनी अट्टम दे अलावा कथकली भी प्रसिद्ध नाच है। एह नाच विशेष रूप नाल सजिया पात्र विभिन्न मुद्रावां विच कराउंदा है। प्रकृतिक सुंदरता नाल भरपूर केरल प्रदेश घूम के सचमुच आनंद आ गया। कदों साडा एक हफ्ता बीत गया सानू पता ही नहीं लग्या। मेरा ता मन उतो वापस आउन नू कर ही नहीं रहा सी, पर वापस ता आना ही पैना सी क्योंकि गर्मी दीआं छुट्टियां खत्म होण वालीआं सन।